क्या है, लेखपाल नोटिफिकेशन के द्वारा, जिसमें से पूरी जानकारी है वो आपको बताऊंगा अभी। और इसमें कब से आपको अप्लाई करना है, एप्लीकेशन जारी करने की तिथि है, आवेदन आवेदन तो करना है आपको 7 जनवरी, किससे, 7 जनवरी से करना है आपको आवेदन, 7 जनवरी 2022 से करना है। और इसकी जो अंतिम तिथि है कितनी, इसकी जो अंतिम तिथि है वो आपकी 28 जनवरी, अंतिम तिथि कितनी है, 28 जनवरी 2022 तक करनी है। सबसे लोग ये कि आवेदन जो करना है आपको 7 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक करना है, और इसमें कोई भी संशोधन करना है, कोई भी संशोधन करना है वो कब तक, आपकी 4 फरवरी, 4 फरवरी तक आप इस फॉर्म में कोई भी संशोधन करना हो तो आप क्या है 4 फरवरी तक संशोधन कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट ये कि इसमें ट्रिपल सी की जो बात की जाए, ट्रिपल सी की बात की जाए तो ट्रिपल सी की कोई भी डिमांड नहीं की गई है, ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई आपको ट्रिपल सी नहीं चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि इसमें कौन से बच्चे, कौन कौन अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने जिन बच्चों ने पैट दिया है, कितना, जो पैट का जो एग्जाम दिया हुआ है, वो सारे बच्चे इस लेखपाल भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, देखो अभी क्या आपको अप्लाई किया जा रहा है, इसमें शॉर्ट लिस्ट निकलेगी, अभी आपको जो फॉर्म भरोगे उसके बाद में फिर एक शॉर्ट लिस्ट निकाली जाएगी, उसकी पूरी जानकारी बताऊंगा आपको मैं। तो इसमें जो बच्चे भर सकते हैं जिन्होंने पैट दिया हुआ है, अब बात करें पैट पर नंबर किसके कितने हैं, इससे कोई भी इसमें भर्ती मतलब नहीं है। अभी जो आवेदन करना है वो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पैट दिया हुआ है, पैट के एग्जाम बैठे हैं, उन्होंने अप्लाई किया उसके लिए, तो आप इसमें भर सकते हैं फॉर्म को। इसमें इसको भरने की जो आपकी फीस है, इसको भरने की जो फीस है आपको मात्र कितने, 25 रुपए है, कितनी, 25 रुपए है, चाहे वो किसी वर्ग का हो, किसी वर्ग का अभ्यर्थी हो, जो इसको भरने के लिए फीस है 25 रुपए देनी पड़ेगी आपको उसके, चाहे आप बैंक में जमा कर सकते हैं, चाहे आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, ट्रिपल सी से मांगा नहीं है। इसके कुल पदों की बात करें, कितने कुल पदों की बात करें, कितना है, 8085 पद है, कितने टोटल जो पद है हमारे, 8085 पद है। इसमें जो आयु सीमा है, इसमें जो आयु देखिए आयु सीमा है वो अभी कितनी है, 18 से 40 वर्ष तक है, कितना, 18 से 40 वर्ष तक। इसमें जो आयु सीमा गणना की जाएगी वो आपकी 1 जुलाई 2021 के आधार पर आपकी आयु सीमा गणना की जाएगी। और मैं आपको बता दूं, जब भी आप एप्लीकेशन को फॉर्म भरें तो ओटीपी के माध्यम से, ओटीपी के माध्यम से कर सकते हो, या पैट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर था उसके माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हो। दो कंडीशन आपने पता होगा कि पैट का जो फॉर्म भरा था आपने वो क्लास 10 से भरा था, किससे, 10 से भरा था, लेकिन अभी जो लेखपाल की भर्ती है वो क्लास 12 से निकाली गई है, किससे है, क्लास 12 से निकाली गई है। तो ओटीपी या पैट का रजिस्ट्रेशन से जब भी आप लॉग इन करोगे या भरवाने जाओगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन यदि आपको मांगे, क्योंकि इस पर 10 तक भरी होगी आपने, अब 12th के मार्क्स में आगे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगे तो आप देख कर उसमें भर देना, ठीक है ना। कुल पदों की यदि बात करें तो 8085 पद है, और इसमें आयु सीमा कितनी, 18 से 40 है, 1 जुलाई 2021 से आपकी आयु सीमा की गणना की जाएगी। और इसमें पद भी दे रखे हैं, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग पद दे रखे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग पद कौन कौन से दे रखे हैं आपके लिए। तो जनरल की बात करूं मैं, जनरल की मैं बात करूं तो जनरल के लिए आपके 3271 पद हैं, और आपके एससी के लिए 1690 पद है, इसमें एसटी के लिए 152, और ओबीसी के लिए आपके पास 2174 यानी 2174 पद है, और जो ईपीएस वाले है ना, ईवीएस वाले हैं, उनके लिए 718 पद है। यानी टोटल की यदि बात की है तो 8085 पदों पर ये भर्ती होनी है, कितना, 8085 पदों पर ये भर्ती होनी है। और ओबीसी, ओबीसी एससी और एसटी के लिए 5-5 साल की आयु में भी छूट दे रखी है ना, आयु में भी छूट दे रखी है। और इसमें ये उसकी हो गई। अब मैं बता दूं आपको सिलेबस के बारे में, सिलेबस के बारे में बता दूं तो इसमें एक तो गणित आएगा जो कि 25 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर के होंगे, ठीक है। इसके बाद में आपकी सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी होगी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, ठीक है, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। सामान्य ज्ञान 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। ग्राम्य समाज
एवं विकास। ग्राम्य समाज एवं विकास आपका 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, यानी कि आपके 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे। कितने? एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। और आपका जो अवधि होगी यानी कि इसका टाइम होगा एग्जाम का, वो 2 घंटे का होगा। कितना होगा? 2 घंटे का, यानी कि 60 मिनट का टाइम। कितने का होगा? 60 मिनट का टाइम होगा। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको दी तो, और हमारे चैनल पर क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी। अभी फिलहाल में आपकी मैथ की क्लासेज है ना, मैथ की क्लासेज आपकी स्टार्ट कर दी जाएगी कल से, ठीक है? कल से आपकी मैथ की क्लासेज स्टार्ट कर दी जाएगी सुबह से, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो आप लोग लग जाइए तैयारी के लिए, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, ओके?